प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित महेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। और साथ ही साथ उन सभी युवाओं का स्वागत करता हूं जो अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ हटकर करना चाहते हैं और जमाने को कुछ बेहतर कर दिखाना चाहते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं कि किस तरह से एक स्टार्टअप में फंडिंग इकट्ठी की जाती है। मान लीजिए आपके पास एक बेहतरीन बिजनेस का आइडिया है और आप उसे स्टार्टअप करना चाहते हैं। स्टार्टअप करने के लिए आपको उस आइडिया में बहुत पैसा निवेश करना होगा और निवेश करने के बाद ही आप उसको बिजनेस मॉड्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक आइडिया को बिजनेस मॉड्यूल में कन्वर्ट करने के बाद फिजिकल बिजनेस बनाने के लिए बहुत सारे फंड की जरूरत होती है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह से अपने स्टार्टअप के लिए फंड रेज किया जा सके। फ्रेंड्स, आपने अपने आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए जैसे तैसे अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से जैसे तैसे पैसा इकट्ठा किया और उस पैसे से आपने उस आइडिया पर काम करना शुरू किया और एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया। आपका बिजनेस शुरू भी हो गया लेकिन पूंजी की समस्या की वजह से आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको पूंजी की, मतलब कैपिटल की, बहुत सख्त जरूरत है। फ्रेंड्स, बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, बैंक लोन और प्राइवेट फाइनेंस। कई बार हम बैंक लोन के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन मार्केट में हमारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती और हमारे पास कोई पास्ट परफॉर्मेंस नहीं होती जिसके बिहाफ पर हम बैंक से लोन ले सकें, इसीलिए हमारी फाइल रिजेक्ट हो जाती है। और प्राइवेट फाइनेंस में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अधिक होता है जिसका बर्डन हमारी कंपनी, हमारा स्टार्टअप अभी सहन करने के लिए तैयार नहीं होता, इसीलिए बैंक हमें लोन देता नहीं है और प्राइवेट फाइनेंस से हम डर की वजह से, इंटरेस्ट की वजह से लोन लेते नहीं। तो आइए समझते हैं कि स्टार्टअप की फंडिंग के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है, और वो बेस्ट मेथड है इन्वेस्टर। और इन्वेस्टर दो तरह के होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट एंड एंजल इन्वेस्टर। वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी को ना ही किसी तरह का लोन देते हैं और ना ही किसी तरह से फंड प्रोवाइड करते हैं। ये लोग इन्वेस्टर होते हैं जो आपकी कंपनी में शेयर होल्डिंग लेकर आपकी कंपनी में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं। ज्यादातर वेंचर कैपिटलिस्ट बड़ी कंपनी के सीईओ और बड़े इन्वेस्टर होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग एजेंट के रूप में काम करते हैं जो वेंचर कैपिटलिस्ट से फंड अरेंज कराते हैं और बदले में एक परसेंटेज ऑफ कमीशन चार्ज करते हैं। वहीं दूसरी ओर एंजल इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो आपकी कंपनी में निवेश करते हैं और साथ ही साथ कंपनी के प्रोजेक्ट में क्या क्या कमियां हैं, कंपनी की स्ट्रेटेजी को कैसे डिजाइन किया जाना चाहिए, कंपनी में कैपिटल को कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए और कंपनी को ग्रो करने के लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी और किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह की मार्केटिंग और किस तरह का प्रपोजल डिजाइन किया जाना चाहिए, इसके बारे में भी आपको गाइडलाइंस देते हैं जो आपके प्रॉफिट और लॉस में भागीदार बनते हैं। एंजल इन्वेस्टर आपकी कंपनी में न केवल निवेश करते हैं बल्कि आपको कंपनी को डेवलप करने के लिए इन महत्वपूर्ण बातों में भी आपकी मदद करते हैं। और ये बातें हैं प्रोडक्शन सेटअप एंड इंप्रूवमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड डिजाइनिंग, सेल्स टारगेट अचीवमेंट प्लान। फ्रेंड्स, वेंचर कैपिटलिस्ट एंड एंजल इन्वेस्टर इन दोनों में से किसको चुना जाए, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एट प्रेजेंट आपकी कंपनी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है और अगले 10 साल बाद इस कंपनी की वैल्यू लगभग 10 करोड़ हो जाएगी, तो आप वेंचर कैपिटलिस्ट को बताते हैं कि मेरे 10 साल का प्लान है कि मेरी कंपनी की वैल्यू 10 करोड़ रुपए हो जाएगी और उसको 10 करोड़ के टारगेट तक पहुंचाने के लिए मुझे वर्तमान में पूंजी की जरूरत है, इसलिए यदि आप मेरी कंपनी का 20% शेयर लेते हैं तो आज से 10 साल बाद मेरी कंपनी की जो वैल्यू होगी वो 10 करोड़ रुपए होगी, उसका 20% वैल्यू मतलब 2 करोड़ रुपए आपको 20% शेयर खरीदने के लिए मुझे अभी देना होगा और उस पैसे का निवेश करके मैं अपनी कंपनी को रेगुलर ग्रो करूंगा। अभी समझते हैं कि वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर में से कौन सा आपकी कंपनी के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। वेंचर कैपिटलिस्ट जब कंपनी में निवेश करेगा तो वो हर साल आपसे 20% प्रॉफिट अपने शेयर होल्डिंग के हिसाब से रेगुलर लेना शुरू करेगा, जबकि एंजल इन्वेस्टर उतना ही पैसा आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करके आपको जितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है उसको री इन्वेस्ट करने की ऑप्शन देगा, तो इससे आपकी कंपनी की ग्रोथ कई गुना
बढ़ती जाएगी। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि एक व्यक्ति को शेयर होल्डिंग देकर आप काम करना चाहते हैं या एंजल इन्वेस्टर से अपनी कंपनी में फंड इंट्रोड्यूस करा के आप अपने बिजनेस को उसकी सपोर्ट, उसकी सर्विसेज और उसकी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं या शेयर होल्डिंग देकर एक फिक्स परसेंटेज देकर अपने आप को सेफेस्ट साइड पर रखना चाहते हैं। फ्रेंड्स, निश्चित समय अवधि के बाद जब आपकी कंपनी की वैल्यू 10 करोड़ रुपए हो जाएगी तो आप अपने इन्वेस्टर से कहेंगे कि अब मेरा प्लान 100 करोड़ रुपए का करने का है और 100 करोड़ रुपए के लिए मैं दोबारा से अपना 20% शेयर बेचना चाहता हूं। तो उस समय आप अपनी कंपनी में 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वेंचर कैपिटलिस्ट से या एंजल इन्वेस्टर के माध्यम से ले सकते हैं और ये एक्सपेंशन आपकी कंपनी का थर्ड मोड ऑफ एक्सपेंशन होगा और उसके बाद आप लगातार अपने बिजनेस को इसी तरह से डेवलप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यदि मैं हर स्टेज पर अपने नंबर ऑफ शेयर्स या परसेंटेज ऑफ शेयर अपने इन्वेस्टर्स को दूंगा तो मेरा कंपनी पर होल्ड बहुत कम हो जाएगा और मेरे शेयर बहुत कम हो जाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स अगर आपके पास 100% शेयर है भी और उसकी वैल्यू 10 रुपए भी है तो भी आपकी कंपनी की वैल्यू आपके आंकलन से केवल उतनी है जो पेपर पर आपको शो करती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके पास 1,00,000 शेयर हैं और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है तो आपकी कंपनी की वैल्यू लगभग 10,00,000 रुपए है। लेकिन जब आप अपने इन्वेस्टर के पैसे से अपनी कंपनी को ग्रो करना शुरू करते हैं और उसका एक बहुत बड़ा पार्ट आपके शेयर होल्डर्स के हाथ में होता है, मान लीजिए आपके पास केवल 20% शेयर रह जाते हैं लेकिन उस ग्रोथ की संभावना से, उस बड़ी इन्वेस्टमेंट से, उस इन्वेस्टर्स के आने से जो आपकी कंपनी में डेवलपमेंट हुआ, कंपनी का सेल प्रमोशन हुआ, कंपनी का ब्रांड प्रमोशन हुआ, कंपनी का एक्सपेंशन हुआ, उससे आपके शेयर की वैल्यू 2,000 रुपए पहुंच गई। इंपॉर्टेंट बात यह नहीं है कि अपनी कंपनी में कितना परसेंट शेयर आप होल्ड करते हैं, इंपॉर्टेंट बात यह है कि कम शेयर होल्डिंग के बावजूद भी आपके कंपनी के पर शेयर की वैल्यू कितनी ज्यादा है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा कि एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट को यह पता होता है कि आपकी शेयर होल्डिंग कितनी भी कम हो जाए लेकिन उसके बावजूद भी आपको वह कंपनी से बाहर नहीं करते, बिकॉज इट्स योर बेबी, ये आपका बेबी है, आपको पता है इस बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, इस बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करना है, इसीलिए वो आपको शेयर होल्डिंग के अलावा एक पोस्ट प्रोवाइड करते हैं, दैट इज सीईओ ऑफ द कंपनी। और एज अ सीईओ ऑफ द कंपनी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने बिजनेस को डेवलप करें, ग्रो करें और अपनी शेयर होल्डिंग की वैल्यू को बहुत बड़ा मल्टीप्लीकेशन तक लेकर जाएं, क्योंकि जैसे जैसे आपके शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी साथ ही साथ इन्वेस्टर्स का पैसा भी बढ़ता जाएगा और इन्वेस्टर हमेशा कंपनी के फाउंडर सीईओ के साथ काम करने में खुश होते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी की स्टार्टअप फंडिंग के लिए वैल्यूएशन कैलकुलेट करना बहुत जरूरी होता है। केवल वैल्यूएशन के माध्यम से ही एक इन्वेस्टर यह बात समझ पाता है कि आपकी कंपनी को कितने कैपिटल और कितने फंड की जरूरत है। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टार्टअप फंडिंग की कंपनी की वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट की जाती है और किस तरह से एक इन्वेस्टर आपकी कंपनी की वैल्यूएशन को काउंट करके आपको फंड प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर आप अपनी शेयर होल्डिंग इन्वेस्टर को नहीं देना चाहते और कंपनी में अपना होल्ड बहुत अधिक मजबूत रखना चाहते हैं तो अपनी कंपनी के कम 26% शेयर अपने पास अवश्य रखें और फंड रेज करने के लिए आईपीओ का इस्तेमाल करें, इनिशियल पब्लिक ऑफर। फ्रेंड्स, मैं एक मिशन चला रहा हूं, मिशन 2021 भारत बनेगा विश्व गुरु, इसके लिए मैं भारत के हर घर से एक सफल बिजनेसमैन तैयार कर दूंगा ताकि भारत आर्थिक शक्ति के रूप में मजबूत बनके पूरे विश्व में अपना परचम लहरा सके। अगर आप मेरी इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर मिशन और अपना नाम व्हाट्सएप करें। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर अमित महेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हमारे इस चैनल पर स्वागत करते हैं उन लोगों का जो समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं और यूथ में से आज हमारे साथ में है भावेश राठी जी जो 30,000 कोर्ट दिल्ली में सीनियर एडवोकेट हैं। तो भावेश जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है मेटास क्लब के इस चैनल पर। भावेश सर, हम लोगों की एक प्रथा है कि हम हमारे चैनल पर जिस गेस्ट को इनवाइट करते हैं उनका एक मोमेंटो के साथ गेस्ट ऑफ ऑनर करते हैं जो आपको हमेशा याद दिलाएगा कि एक दिन हम लोग मेटास क्लब के यूट्यूब चैनल पर आए थे। भावेश सर, मेटास क्लब के यूट्यूब चैनल की तरफ से गेस्ट ऑफ ऑनर आपके लिए।